हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग आज अपने लाइट के कोशिश करते हैं कि आज अपना लाइट ख़त्म ही हो जाए पूरा, ठीक है। तो उसके टॉपिक पे हम लोग, लास्ट टॉपिक है अपना अपना एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, डिफेक्ट्स इन आई, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो विजन में यानी हमारे आंखों में किस तरीके का डिफेक्ट आ सकता है, आता है, और उसको सुधारते कैसे, उसको सही कैसे करते, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो समझो, तो विजन अगर बोले सबसे पहले, तो विजन क्या है? तो द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन। जो जो चीज़ हमको, जिस कारण से, जिस चीज़ से हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं, उसी को तो विजन कहते हैं, उसी को विजन कहते हैं। तो द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन। किसी चीज़ को देख पाना, देखना, इसे ही क्या कहते हैं, विजन कहते हैं। अब आप समझो, देयर आर थ्री कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ऐसे तो कितने तरीके का डिफेक्ट है आँख का, तो कई सारे समस्या है, कितने तरह का बीमारी है, लेकिन हम लोग क्योंकि डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग को फिजिक्स के नज़रिए से समझना है। तो इस तरह से मेनली तीन टाइप में इसको बांट दिया गया। तीन क्या कहो यार, एक पॉइंट और बढ़ा लो मेरे तरफ से, चार कैटरेक्ट। तो एक पॉइंट ये भी बढ़ा लेना, कैटरेक्ट, ठीक है। कैटरेक्ट को हिंदी में, कॉमन लैंग्वेज में, मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आओ, तो मेनली जो है अपने पास चार कॉमन डिफेक्ट्स है अपने को पढ़ना, ठीक है। चार कॉमन डिफेक्ट्स मेनली अपने को विजन से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ना है। पहला क्या नाम है, पहले का नाम है मायोपिया। अच्छा, इसमें नाम में कन्फ्यूजन बहुत होते रहता है अक्सर। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया को क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। मायोपिया को क्या दूसरा नाम है, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, ठीक है। ये नाम याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त बहुत कंफ्यूजन करके देगा, ये बहुत कंफ्यूजन बनाता है ये। तो मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहते हैं, क्लियर है पहला, ठीक है। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, अपने हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कहते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है। फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। और तीसरा मेरा है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का और कोई नाम नहीं। और चौथा है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ तक तो डिजीज क्लियर है कि ये सारा कॉमन डिफेक्ट है मेरे आई का। दीज आर दी कॉमन डिफेक्ट्स इन आर आईज। और इसके अलावा भी कई डिफेक्ट होता है, ग्लूकोमा होता है, ठीक है ना, आई ब्लाइंडनेस होता है, रेटिना डैमेज होता है, बहुत तरीके, लेकिन वो सब फिर मेडिकल फील्ड का चीज़ है। फिजिक्स के नज़रिए से मेनली ये चार टाइप का हम लोग डिफेक्ट को पढ़ने वाले हैं, और इसको सुधारें कैसे वो भी देखेंगे। पहला पॉइंट देखो, मायोपिया है, तो हेडिंग डाल लेना और ये सब पॉइंट लिखते चलना, ये सब पॉइंट लिखते चलना। पहला पॉइंट क्या है अपना, मायोपिया। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, ये क्या डिफेक्ट है, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एक पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो अगर आप क्लास में बैठ रहे हैं, बेंच में पीछे तरफ बैठ रहे हैं, तो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ अक्षर सही से नहीं दिखाई दे, साफ साफ नहीं दिखाई दे, इसी डिजीज को, इसी डिफेक्ट को मायोपिया कहा जाता है या शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है, ठीक है। तो मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस एट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली, उसको साफ साफ नहीं दिखे। दो ही कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, उसको नज़दीक का ऑब्जेक्ट तो क्लियर क्लियर दिखे, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखे, ऐसे डिजीज को मायोपिया कहते हैं। और ऐसे पर्सन को जिसको मायोपिया होता है, उसको मायोपिक पर्सन कहते हैं। जैसे मेरा मेरा ये जो आँख का नंबर लगा है, ये मायोपिक आए हैं, ठीक है, हमको भी मायोपिया हुआ है, दूर का चीज़ देखने में धुंधलापन है, तो ऐसे डिफेक्ट को मायोपिया कहते हैं, क्लियर है। जो आई मायोपिया से सफ़र करता है, उसको मायोपिक आई, इट इज़ टर्म्ड एज मायोपिक आई। चलो आओ, द फार पॉइंट। अब इसमें क्या होता है मायोपिया में, ऐसे तो नॉर्मल आई क्या है, इन्फिनिटी तक देख सकता है, सॉरी, नॉर्मल नॉर्मल आई का फार्देस्ट पॉइंट क्या है, कल लिखवाए भी थे, दूर कितने दूर तक, मैक्सिमम कितने दूर तक नॉर्मल आँख देख सकता है, तो इन्फिनिटी तक देख सकता है, बहुत दूर तक देख सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। लेकिन एक मायोपिक आई, जिस एक ऐसा व्यक्ति जिसको मायोपिया हो गया है, उसका वो क्षमता कम हो जाता है, उसको वो इन्फिनिटी तक नहीं देख पाता है। तो उसका जो फार्देस्ट पॉइंट है, जो फार पॉइंट है, वो क्या हो गया, शिफ्ट करके आगे आ गया। यानी कि क्या, इसको ऐसे समझो कि एक लड़का है जिसका आँख बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरा लड़का है जिसके आँख, जिसका मायोपिक आई है, ठीक है, जिसको दूर का चीज़ सही से ही नहीं दिख रहा है।
दोनों बोर्ड से सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए, बेंच पे पीछे। एक लड़के को साफ साफ दिख रहा है जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, दूसरे लड़के को दिखने में दिक्कत हो रहा है। तो जब अगर उसको दिखने में दिक्कत होगा तो वो हमसे दूर जाएगा या मेरे पास आएगा, बोर्ड के पास आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका जो फार पॉइंट है, जो मायोपी का है, जो बीमार जिसका आँख में दिक्कत है, उसका जो फार पॉइंट है वो कम हो गया कि नहीं हो गया? कम हो गया। एक लड़का जिसका आँख अच्छा था वो दूर तक दूर से देख पा रहा था, जिसका जो मायोपी का है उसका ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, फारदेस्ट पॉइंट है, फार पॉइंट है विजन का, वो नज़दीक आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए? तो ये पॉइंट वही कह रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इन्फिनिटी। पॉइंट समझ में आया यार क्या है, कि जो फार पॉइंट है, जो दूर का कोई एक तो कितना मैक्सिमम कितना दूर देख सकता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका आँख मायोपिया से सफ़र कर रहा है, उसका वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी देखने वाला था ना, मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी तक था, वो घट जाता है, वो कम हो जाता है इन्फिनिटी से। आ गया समझ में? अगला पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया इज कॉज्ड। अब देखो ये मायोपिया होता किस किस कारण से है, तो ये कारण नोट कर लो। सब सारा पॉइंट लिखना है, और बोर्ड में सब कुछ आता है, कुछ भी पूछ देगा यार वो। ऐसा तो है नहीं गारंटी कि ये पूछेगा ये नहीं पूछेगा, वो आई का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ठीक है, वो लेंस पूछेगा, वो मिरर पूछेगा, यूजेस पूछेगा, डिफेक्ट्स भी पूछ सकता है, कॉसेस भी पूछ सकता है, ठीक है ना, सब कुछ पूछ सकता है। तो हम लोग को सब कुछ पढ़ के जाना है। तो द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया, मायोपिया का डिफेक्ट जो किस किस कारण से होता है, तो पहला कारण देखो, ड्यू टू हाई कन्वर्जन कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, पहला क्या है कारण, और ये चीज़ प्रूफ करके देंगे, ठीक है। आई लेंस जो अपना नेचुरल आई लेंस है, जो भगवान हम लोग को आंख में फिट करके आई लेंस दिए हैं, कौन सा आई लेंस होता है, कॉन्वेक्स आई लेंस। कॉन्वेक्स आई लेंस का नेचर जब बहुत ज़्यादा हाई कन्वर्जिंग नेचर का हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करने लगेगा, तो वो इमेज कहाँ प्रोजेक्ट होना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। जब कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रेटिना से पहले इमेज बनने लगता है, यानी कि रेटिना पे बनेगा इमेज तब साफ साफ देख पाएंगे, तो रेटिना के पहले इमेज बनने लगेगा, समझो क्या है। अभी एक शॉर्ट में एक चीज़ दिखा दे रहे, देखो शॉर्ट में एक चीज़ बस बता रहे हैं, ये चीज़ वापस आएगा अभी, कि ये मेरा आई का स्ट्रक्चर है, मान लो सपोज दैट कि ये मेरा आई बॉल है, ठीक है, दिस इज़ माई आई बॉल, और ये मेरा रेटिना है यहाँ पे, ठीक, आई बॉल है, और यहाँ पे मेरा कॉन्वेक्स लेंस फिट होता है। एक चीज़ बताना यार, ये चीज़ तो देखे होगे तुम लोग, समझ भी पाओगे, अगर अगर इस आई लेंस का कन्वर्जिंग नेचर तो होता है, कन्वेक्स लेंस से तो कन्वर्जिंग ही होगा, अगर इस आई लेंस का जो नेचर है वो बहुत कन्वर्जिंग हो जाए, हाई कन्वर्जिंग हो जाए, समझ ही लो क्या है, हाई कन्वर्जिंग हो जाए, तो इमेज देखो तो कहीं यहीं बन जाएगा, ये इमेज यहीं कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ, अरे हाँ कि ना बोलो, बनना कहाँ था, बनना रेटिना पे था, लेकिन कहाँ बन रहा है, रेटिना के पहले बन रहा है, किसके कारण, इस ड्यू टू आई, ड्यू टू आई कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का काम तो कन्वर्ज करना ही है, लेकिन ये ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं कन्वर्ज कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, जिसके कारण से इमेज रेटिना के पहले ही बन जा रहा है, और हमको ऑब्जेक्ट सही सही दिख नहीं रहा है, साफ सुथरा दिख नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट्स धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। क्लियर है ये पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, ड्यू टू द आई बॉल बींग टू लॉन्ग, आई बॉल जो है ना अपना वो बहुत बड़ा हो गया, वो साइज़ में उसका साइज़ बढ़ गया। आई बॉल का कितना होता है साइज़, कल बताए थे आई बॉल का डायमीटर कितना होता है, करीब 2.5 सेंटीमीटर, कल पढ़ा हुआ है, हर बार नोट्स पढ़ते रहना इसलिए। तो आई बॉल का जो नॉर्मल डायमीटर होता है वो अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन मायोपिया के केस में आई बॉल का भी साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है मायोपिक आई का आई बॉल। क्लियर है ये दोनों पॉइंट, क्लियर है। अब आगे मायोपिक आई, जिसको मायोपिया होता है, जिसको दूर का देखने में दिक्कत होता है, उसको कॉनकेव लेंस लगा के क्या करते हैं हम लोग, सुधार देते हैं। तो जो भी लोग जिसको दूर का देखने में दिक्कत हो रहा है ना, डॉक्टर उनको कौन सा लेंस रिकमेंड करता है, कौन सा लेंस उनके चश्मा में लगवाता है, कॉनकेव लेंस लगवाता है। और ये पीछे जाना और कॉनकेव लेंस वाले टॉपिक में आना, यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस, वहाँ पर ये पॉइंट नोट डाउन भी कराएं कि इट इज़ यूज टू ट्रीट मायोपिक आई, ये पॉइंट वहाँ पर नोट डाउन भी करवाया हुआ है कि इट इज़ यूज टू ट्रीट मायोपिक आई। तो कौन सा पॉइंट, ये सारा ही पॉइंट यार इंपॉर्टेंट है, क्या ही कहें, देखो है कि नहीं इंपॉर्टेंट। तो कंटेनिंग कॉनकेव लेंसेस, तो मायोपिक आई को कैसे सुधारते हैं, कॉनकेव लेंस के मदद से सुधारते हैं। क्या करना था, अच्छा एक बात बताओ, पीछे यहाँ जो था, यहाँ पे ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा था ना, तो क्या कर दें हम,
क्या कर दें, हमको कन्वर्जिंग ही तो कम करना है, लेंस कम कन्वर्ज करेगा तो रेटिना पे जाके बन जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रहा था, दिक्कत इसी कारण आ रहा था कि ये क्या हो रहा था, लेंस मेरा कन्वर्जिंग हो रहा था, ज़्यादा हाई कन्वर्जिंग था। तो क्या किए हम लोग, तो डॉक्टर लोग दिमाग लगाया, डॉक्टर लोग क्या दिमाग लगाया, देखना ये था रेटिना, ठीक है, ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस। डॉक्टर लोग क्या दिमाग लगाया, यहाँ पे क्या बना दो यार, यहाँ पे बना दो एक, ये कलर नहीं, यहाँ पे लगा दो एक कॉनकेव लेंस। क्या आँख के पास क्या लगा देंगे, कॉनकेव लेंस, आईबॉल के सामने लगा रहता है ना कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस लगा दिए। तो क्या होगा अब ज़रा बताना, देखना सब कुछ क्लियर होगा यहाँ से, क्या होगा ज़रा बताना, ये लाइट आया, लाइट रे, ये लाइट रे आया, इससे टकराएगा, दूर से आया लाइट रे कहीं, ठीक है, टकराएगा लाइट रे, टकराएगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है, डाइवर्ज करना, तो ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। देखो हम इसको तो नहीं सुधार सकते हैं, हम इस ये लेंस एक बार बिगड़ गया ना, ये ज़्यादा जहाँ हाई कन्वर्जिंग करना चालू कर दिया, तो हम नेचुरल लेंस को कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नहीं सुधार सकते उसको, हम बाहर से ये इंजीनियरिंग लगाए हैं, ये इंजीनियरिंग ही तो है। तो कॉनकेव लेंस का काम क्या था, डाइवर्ज करना, तो ये डाइवर्ज कर दिया। अब जब डाइवर्ज कर दिया, अब जब ये कन्वर्ज करेगा ना, तो ये रेटिना पे फॉल करेगा जाके। अब जब कन्वर्जिंग होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, अब रेटिना पे बने। तो समझ लेना, जब भी आँख में दिक्कत है, जब भी देखने में दिक्कत हो रहा है, तो रेटिना पे नहीं बन रहा है इमेज, इसीलिए दिक्कत है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्लियर विजन नहीं है तो रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसे हमेशा नहीं होता है, ये एक केस ऐसा है जहाँ पे रेटिना पे इमेज बन भी जाएगा फिर भी सही सही नहीं देखेगा, वो केस आगे आएगा। क्या है, चलो तो ये डायग्राम क्लियर है। तो ये हम लोग इंजीनियरिंग लगाएं, ये क्या है मेरा कॉनकेव लेंस है। तो हम लोग क्या कर दिए दिमाग कि भाई हम देखो अंदर के लेंस को तो हटा नहीं सकते हैं, वो तो वहीं का वहीं है, वो तो उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बाहर से अपना एक दिमाग लगा दो कि कॉनकेव लेंस लगा दो। पहले का सीन क्या था, अगर हम एक हाइलाइटर पेन से दिखाएं पहले का सीन, कलर भी चेंज करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, एक हाइलाइटर से पहले का सीन दिखाएं, तो क्या था, लाइट रे तो यही आ रहा था, ये आके यहाँ सीधा इसके पास जा रहा था, ये आके सीधा इसके पास जा रहा था, और ये कहाँ देखो कहाँ कन्वर्ज कर दे रहा था, ये यहीं कन्वर्ज कर दे रहा। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया ना, ये पहले का इमेज है, पहले का पोर्शन है, या यूँ कहूँ ये मेरा ये वाला जो है ये मेरा इमेज बन रहा था पहले, ठीक है, ये मेरा इमेज कब बन रहा था, पहले बन रहा था इमेज, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ मेरा इमेज बन रहा था पहले, जब आँख पे चश्मा नहीं लगा था, जब हम आँख को सही कर दिया, आँख को क्या, जब आगे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगा दिए, तब इमेज एक्चुअल जगह पे बनने लगा। तो इसको भी लिख लो, ये कोई पूछेगा ये क्या है सर, रेटिना है ये, तो ये मेरा वॉल है, स्क्रीन है मेरे आँख का, क्लियर है, ठीक है। तो ये बन रहा था ट्रीटमेंट के पहले, ये डॉटेड लाइन से, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये मायोपिक आई के टाइम का है, क्या हो रहा है, ये मायोपिक आई के टाइम का है, मायोपिक आई, जब आँख में दिक्कत था तब इमेज यहाँ बन जा रहा था, और ये वाला जो लाइन है येलो वाला, ये ट्रीटेड है, ट्रीटेड आई, अब आँख को ट्रीटमेंट मिल गया, ट्रीटमेंट मतलब स्पेक्टेकल्स, चश्मा या लेंस लगवा दिए गए, क्लियर है पूरा मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म समझना ज़रूरी था, ठीक है। आओ अगला पॉइंट, प्लीज नोट दैट द कॉनकेव लेंस यूज फॉर करेक्टिंग मायोपिया शुड बी ऑफ सच अ फोकल लेंथ दैट इट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एट द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। तो फोकल लेंथ इस तरीके से इसका डिसाइड करना है, इस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ इस तरीके से डिसाइड करना है कि इसके कारण जो आई का प्रोजेक्शन हो वो वापस से फार पॉइंट क्या चला जाए, इन्फिनिटी। मायोपिक आई में दिक्कत क्या हो रहा था, फार पॉइंट उसका घट के नज़दीक आ गया था, कम हो गया था। हम इस कॉनकेव लेंस को इस तरीके से डिज़ाइन करना है इसके फोकल लेंथ को कि वापस से जो फार पॉइंट, जो फार्देस्ट पॉइंट जो नज़दीक आ गया था, वो वापस कहाँ हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तभी तो कहेंगे। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन करना होता है, ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर है। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट द होल पर्पस ऑफ यूजिंग अ कॉनकेव लेंस हेयर इज टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। पूरा बात ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से, इसको तो दोबारा से बताने का जरूरत भी नहीं है। पूरा का पूरा ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों, कॉनकेव लेंस क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि भाई देखो आईबॉल तो नेचुरल आई लेंस जो था वो तो हाई कन्वर्जिंग हो गया, एक बार बिगड़ गया तो वो बिगड़ गया,
ठीक है, तो हमको क्या काम, मेरा क्या उद्देश्य था कि उस कन्वर्जेंस को कम कर दें, वो जो हाई कन्वर्जेंस हो रहा है उसको कम कर दिया जाए। उसको कम करने के लिए क्या कर दिए हैं, टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस वी यूज्ड कॉनकेव लेंस हियर। ठीक है, चले आगे, सारा पॉइंट लिखते चलना, ऐसे मूक दर्शक बन के बैठे मत रहना। आओ आगे, ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम तुमको बता भी चुके हैं। ये देखो मायोपिक आई था पहले, इमेज देखो यहीं बन रहा है, इमेज देखो यहीं कहीं बन जा रहा है, ब्लैक नहीं हो। हाँ ठीक है, इमेज देखो यहीं कहीं बन जा रहा है, ये रहा इमेज। रेटिना देखो यहाँ, इमेज यहाँ बन गया, साफ साफ दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ये मायोपिक आई है, समझ गया। उस मायोपिक आई का फार पॉइंट पे इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा था, तो इमेज यहाँ बन रहा था। अब उस लड़के को सोचो जो बहुत दूर बैठा था, अब उस लड़के को आना होगा नज़दीक, तब साफ दिखेगा ना। ऐसा थोड़ी कि साफ दिखना बंद हो जाएगा, किसी ना किसी जगह पे तो आके उसको किसी ना किसी बेंच पर आके उसको साफ तो दिखेगा। तो वो अपना बेंच यहाँ से करके बेंच यहाँ ले आया, पहले बेंच इन्फिनिटी पोजिशन पे था, अब वो बेंच लेके इस पोजिशन पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया। यहाँ से जब वो देख रहा है तो उसको साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो इमेज उसके आँख जो इमेज बन रहा है वो एक्चुअल रेटिना पे बन रहा है, यही मतलब है ना उसका। तो ये रेटिना पे बन रहा है, हमको इसी फार पॉइंट को शिफ्ट करके वापस इन्फिनिटी करना है कि नहीं करना है। मेरा एम यही है कि इसी फार पॉइंट जो उसका फार पॉइंट जो कम हो गया है, घट गया है, उसी को वापस इन्फिनिटी शिफ्ट करना है। तो उसी को वापस इन्फिनिटी शिफ्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ कर लिए हैं, कॉनकेव लेंस यूज, कौन सा लेंस यूज़ कर लिए हैं, कॉनकेव लेंस यूज। क्लियर है, ये डायग्राम तो बना ही दिए हैं पीछे, ये देखो ये वही चीज़ तो बताया हुआ है, हम एक ही डायग्राम में बता दिए, इसमें अलग अलग स्टेप वाइज दिखाया है। ठीक है, तो जो पसंद आए वो डायग्राम नोट कर लो यार, उसमें कौन से बड़ी बात है, जो पसंद आए वो डायग्राम नोट कर लो। इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दिया, नोट कर लो उसको, चलो कर लेना पॉज करके इसको। ठीक है, आगे आओ, अगला डिफेक्ट है नंबर टू, डिफेक्ट नंबर टू, डिफेक्ट नंबर टू इज हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट नंबर टू इज व्हाट, हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट नंबर टू इज हाइपरमेट्रोपिया, क्या ही अंतर है दोनों में। ठीक, चलो देखो डिफेक्ट नंबर टू अपना क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को दूसरा नाम क्या है, इधर ही लिख दे रहे हैं बगल में, लॉन्ग साइटेडनेस। अब देखो कितना अजीब बात है ना, कितना अजीब बात है कि वहाँ दूर का देखने में दिक्कत हो रहा था तो नाम था शॉर्ट साइटेडनेस। देखो दूर का देखने में दिक्कत था तो नाम क्या था इसका, शॉर्ट साइटेडनेस। ये देखो ये पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, कैन वी हाईलाइट दिस, नहीं हाईलाइट नहीं हो सकता, चलो जाने दो, हाईलाइट नहीं हो सकता तो ठीक है, वैसे होना चाहिए था यार। चलो देखो इधर से देखो, तो इसका दूर का देखने में दिक्कत था तो नाम क्या था, शॉर्ट साइटेडनेस, नाम रख दिए थे शॉर्ट साइटेडनेस। कितना उल्टा नाम रखा है ना, तो याद रखना उल्टा ही नाम रहता है। अगर शॉर्ट साइटेडनेस दिया है तो नज़दीक का दिक्कत मत समझ लेना, दूर का दिक्कत समझना। ठीक है चलो, और यहाँ पे क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का नाम है लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार्स, या फिर फार साइटेडनेस। तो लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, इसमें क्या हो जाएगा, सेम, इसमें भी वही, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत हो। मिनिमम डिस्टेंस कितना हमको चाहिए, मतलब मिनिमम मैक्सिमम कितना डिस्टेंस रहना चाहिए अपने आँख से, नियरेस्ट पॉइंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, पढ़े 25 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम आँख से, कोई भी ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर तो रहना ही चाहिए, उससे ज़्यादा दूर रहेगा तो अच्छी बात है।
ठीक है, लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रहना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम नज़दीक आ जाएगा ना तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, वी विल नॉट एबल टू सी। और अपना आँख का जो एंगल होता है ना, एंगल ऑफ साइटेडनेस, वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री पे अपना आँख देख सकता है, ह्यूमन आई। ठीक है, आओ अब, हाइपरमेट्रोपी और लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैनॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली थ्रू द, ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया, ये समझाने वाला पॉइंट था, समझा भी दिए, तो ये नोट करने वाला भी पॉइंट है, इसको नोट भी कर लेना। ठीक है, द नियर पॉइंट, इस केस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक आई में जो नियर पॉइंट होता है ना वो खिसक के दूर चला जाता है। नियर पॉइंट कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, वो खिसक के दूर चला जाता है। अब हमको दूर से अच्छा दिखेगा, देखना जल्दी अपने मम्मी पापा या दादा दादी को ज़्यादातर देखना कि क्या रहता है ना, वो लोग जब बुक पढ़ते हैं और अगर वो चश्मा नहीं लगाएं तो वो बुक को ऐसा दूर रख के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या है ना, हम लोग इस बुक को पढ़ना है तो बिल्कुल ऐसा आराम से इतने दूर से पढ़ लेंगे, लेकिन जो थोड़ा जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है ना तो उनको वो ऐसा करेंगे, बुक को थोड़ा दूर करके पढ़ेंगे, उनको थोड़ा दूर से अच्छा दिखाई देगा। ऐसा होता है, देखना है, ऐसा ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है या जो 40+ होते हैं उनमें ज़्यादातर ऐसा डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो नियर पॉइंट है वो क्या हो गया, वो शिफ्ट होके दूर चला गया हमसे। क्लियर है, दूर चला गया। तो ये पॉइंट भी याद रखना, कलर बदल के, तो ये पॉइंट भी याद रखना कि इस केस में क्या होता है, दूर चला जाता है। 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है अपना, ठीक है, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है अपना नज़दीक का देखने का क्षमता। क्लियर है, तो ये डिफेक्ट ये है, ये डिफेक्ट जस्ट अपोजिट है किसके, मायोपिया के। वो बात तो पकड़ में आ गया होगा तुम लोगों को, मायोपिया में दूर का चीज़ धुंधला दिख रहा है, यहाँ नज़दीक का चीज़ धुंधला दिख रहा है, तो ये जस्ट डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट मायोपिया का उल्टा है। अब आओ, ये डिफेक्ट होता किस कारण से है वो देखो, ये दो कारण दिया हुआ है, ये दो कारण को नोट कर लो, ये दो कारण जस्ट उसका उल्टा, क्या मायोपिया किस कारण से होता था, आई लेंस के हाई कन्वर्जिंग पावर के कारण। तो हाइपरमेट्रोपिया किस कारण से होता है, आई लेंस के लो कन्वर्जिंग पावर के कारण हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलता है। देखो ये पॉइंट, और ये सेकेंड पॉइंट क्या है, आईबॉल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जाता है। मायोपिया में आईबॉल बड़ा हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में आईबॉल छोटा हो जाता है। मायोपिया में जो आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर होता है बढ़ जाता है, यहाँ पे घट जाता है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है, सारा पॉइंट नोट हो गया, नोट हो गया तो आगे चलते हैं। आओ देखो, चलो तो ये चीज़ समझ लो पहले यहाँ से, तो ये पूरा सीन हो क्या रहा है वो पहले समझ लो, ये चीज़ पहले समझो, देखो क्या हो रहा है। ये था मेरा कन्वेक्स लेंस, अब देखना एक ही डायग्राम में बता देंगे, फिर वो डायग्राम नोट कराने के लिए आएगा आगे। ठीक है, तो ये था मेरा कन्वेक्स लेंस या आई लेंस, लिख देते हैं सीधे, इसको सीधे लिख देते हैं, ज़्यादा स्पेसिफाइड रहेगा, आई लेंस है। ठीक है, क्या हो रहा था, ये था मेरा रेटिना, दिस वन वॉज माई रेटिना। ठीक है, इमेज बनना है तो रेटिना पे बनना होगा, इमेज कहाँ बनना होगा, रेटिना पे बनना होगा। येलो कलर सही से दिखाई नहीं देता हो तो ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं। चलो अब देखो, हमको कहाँ से है, मेरा फार नियर पॉइंट करना है ना, ये रहा मेरा नियर पॉइंट, मान लो सपोज दैट दिस इज़ माय नियर पॉइंट। ठीक है, ये मेरा क्या है, नियर पॉइंट है। नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो अब ये जो आई है ना, ये जो आँख है, ये हाइपरमेट्रोपिक है, यानी कि इसको दिक्कत है, हाइपरमेट्रोपिया का दिक्कत है। क्या होगा भाई, अगर इसको हाइपरमेट्रोपिया का दिक्कत है तो ये अपना लाइट रे आया इसके पास में, लाइट रे आया इसके पास में, इसका काम क्या होता है, हमेशा इसका काम होता है कन्वर्ज करना, और इसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया है। अगर कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगा तो देखो तो ये देखो कम कन्वर्ज किया, देखो हम दिखा रहे हैं ये कम कन्वर्ज किया, ज़्यादा भी कन्वर्ज कर सकता था, ये देखो कम कन्वर्ज किया, और कम कन्वर्जन करने के कारण इमेज देखना जरा कहाँ बना है, ये देखो तो यहाँ इमेज बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ इमेज बन गया है। इमेज बनना कहाँ था, रेटिना पे बनना था, बन कहाँ गया, रेटिना के पीछे बन गया। दिक्कत है, फिर से नहीं दिखाई देगा साफ साफ, ये दिक्कत होता है इसमें, यही दिक्कत होता है इसमें, ये रहा लाइट रे। इमेज बनना था रेटिना पे, बन कहाँ गया, रेटिना के पीछे। तो ये भी पॉइंट लिख लेना कि मायोपिया के अंदर इमेज रेटिना के पहले बनता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना या इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ बनता है,
बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनता है, क्लियर है। दोनों ही केस में दिक्कत है, साफ साफ दिखेगा नहीं, पहला पॉइंट क्लियर है। क्या डिफेक्ट है, डिफेक्ट क्या है वो समझ में आ रहा है? अगर डिफेक्ट से समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सुधार लेंगे। इसको सुधारेंगे कैसे वो देखो, हाँ इसको देखो सुधारना है। अब ये तो मेरा भाई आँख का जो लेंस है वो तो रहेगा ही ना, आई लेंस, उसका लो कन्वर्जिंग पावर हो गया है, वो कम पावर का हो चुका है, कन्वर्ज करने की क्षमता घट चुका है, तो वो घटा ही रहेगा, वो वापस से नहीं बढ़ने वाला है। अब बढ़ता भी है, बढ़ा लेते हैं, लेकिन चलो ठीक है। इसको ट्रीट कैसे करेंगे वो देखना, तो एक लेंस यहाँ पे लगा देंगे, फिर से कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगा देंगे बाहर से, कन्वेक्स लेंस। क्या हो रहा था, इसका कन्वर्जिंग पावर ही तो घटा था, तो कन्वर्जिंग पावर इसका घट गया ना, तो हमको कन्वर्जिंग पावर क्या करना है, बढ़ाना है। तो कन्वर्जिंग पावर कौन बढ़ाएगा भाई, कन्वेक्स लेंस ही तो बढ़ाएगा, कॉनकेव थोड़ी ना बढ़ा देगा, तो कन्वेक्स लेंस बढ़ाएगा। लगा दो, हाँ यही ऑरेंज कलर यूज़ कर लो। अब देखो, अब ये जो नियर पॉइंट था, अब ये वही नियर पॉइंट था, सेम नियर पॉइंट था, ठीक है। अब ये जो नियर पॉइंट था, ये जब लाइट रे अब दिया तो क्या था, पहले ये कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज कर देगा कि नहीं कर देगा, देखना, काम ही इसका कन्वर्ज करना है भाई, तो कन्वर्ज कर दिया, ये कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज कर दिया, देखो कन्वर्ज कर दिया है, कन्वर्ज कर दिया। और फिर ये आई लेंस, ये अभी भी तो कन्वर्ज करेगा, पावर ही तो घट गया है कन्वर्जिंग का, नेचर थोड़ी ना गया, वो तो कन्वर्ज अभी भी करेगा, ये कन्वर्ज अब भी कर दिया, देखो ये कन्वर्ज कर दिया, ठीक है, ये कन्वर्ज कर दिया। देखो एरो से दिखा दे रहे, देखते चलना एरो से, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कन्वर्ज करते चला गया। और कन्वर्ज करने के कारण इमेज मेरा अब कहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है, रेटिना पे ऑब्टेंड हो रहा है इमेज, और रेटिना पे ऑब्टेंड हो रहा है, नज़र सुधर गया, साफ साफ दिखने लगा। क्लियर है क्या, जो भी बोल रहे हैं समझ में आ गया, आ गया है, तो चलो अब थ्योरी पढ़ लो। तो ये इमेज चाहो तो ये इमेज बना लो। तो ये मेरा है ट्रीटेड आई, ये हो गया मेरा, ट्रीटमेंट दे दिए, चश्मा लगा दिए कॉन्वेक्स लेंस का। और ये है अनट्रीटेड हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। चलो तो ये वाला भी स्लाइड अपना हो गया था, अब ये पॉइंट ये सब पढ़ लो। इन सम केसेस द सिलियरी मसल्स अटैच टू द आई लेंस बिकम्स वीक, कुछ केस ऐसा भी होता है जिसमें क्या हो जाता है, सिलियरी मसल क्या कमज़ोर पड़ जाता है, कौन कमज़ोर पड़ जाता है, सिलियरी मसल कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। सिलियरी मसल कमज़ोर होने के कारण आईबॉल क्या हो जाता है, आई लेंस का साइज़ क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। आई लेंस का साइज़ इंक्रीज़ कर जाने से क्या हो जाता है, उसका कन्वर्जिंग पावर घट जाता है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस और फाइस करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स कंटेनिंग कन्वेक्स लेंस। बात क्लियर है यहाँ तक, तो ये पॉइंट क्लियर है कि कन्वेक्स लेंस यूज करके हाइपरमेट्रोपिक आई को ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, सही करते हैं, सुधार लेते हैं, कर देते हैं। ये भी प्लीज नोट दैट द कन्वेक्स लेंस यूज फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया शुड बी, फिर से वही बात, इस तरीके से होना चाहिए कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कि उसका जो नियर पॉइंट जो दूर चला गया था वो वापस से आ जाए पास, वो वापस से उसी पॉइंट पे आ जाए, 25 सेंटीमीटर पे आ जाए, अपना होता है ना 25 सेंटीमीटर भाई। ये देखो ये पहला हाइपरमेट्रोपिक आई मिनिमम पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बन रहा है, देखो रेटना पे बन, रेटना के पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द रेटना, यहाँ इमेज बन रहा है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई। अब इसी हाइपरमेट्रोपिक आई को ये जब अपना नियरेस्ट पॉइंट को दूर किया, बुक को यहाँ से पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, बुक को थोड़ा दूर से देखा, तो बुक को जब दूर से देखा तब इमेज बिल्कुल रेटना पे बनने लगा, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि यहाँ जो जो इसको किताब यहाँ से पढ़ाई दे रहा था वो वापस से यहाँ पे पढ़ाई दे, क्योंकि नॉर्मल आई तो यहाँ से पढ़ ले रहा था, तो वापस से इस पॉइंट तक हमको लेके आना है। इसके लिए क्या लगा दिए, ये देखो इसके लिए एक कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग क्या कर दिए, स्पेक्टेकल आगे लगा दिए। अब इसका जो इमेज वापस से यहाँ बनने लगा, आँख सुधर गया, ठीक है, सही है। ये लो, तो ये डायग्राम चाहो तो तीन पॉइंट में ये डायग्राम समझाया हुआ है, और अगर पीछे वाला डायग्राम चाहो तो दो पॉइंट में ये डायग्राम समझा दिया गया है। ये डायग्राम ज़्यादा क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है स्टेप वाइज, लेकिन मेरा काम तो समझाना, हम समझा दिए, बाकी नोट कर लो, ठीक हो गया, आ गया समझ में। चलो अब दो डिजीज और बचता है, थर्ड पॉइंट लिखो,
प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज में जो जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं हम लोग, हमारा सिलियरी मसल्स जो कि आई लेंस को पकड़ के टाइट करके रखता है वो लूज पड़ने लगता है, उसमें कमजोरी आना चालू हो जाता है, ठीक है, वो ढीला पड़ने लगता है। ढीला पड़ने के कारण क्या होता है, अपना आई लेंस क्या हो जाता है, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, और इट लूजेज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, अपना पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाता है उसका, बिकॉज ऑफ दिस। इस कारण से ओल्ड एज में ओल्ड पर्सन को नज़दीक का चीज़ पढ़ने में दिक्कत होना चालू हो जाता है, नज़दीक का भी दिक्कत होता है, दूर का भी दिक्कत होने लगता है, ठीक है, तो ओल्ड एज में ऐसा दिक्कत होता है। इसी डिजीज़ को प्रेस बायोपिया कहते हैं, इसी डिजीज़ को क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। तो ये एक्चुअली में कोई डिजीज़ है नहीं, कोई डिफेक्ट है नहीं, ये एज के साथ अपने आप आता है, इसको नहीं रोक सकते हैं, ये एज के साथ अपने आप आ जाता है, ठीक है। बाकी का वो जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है, वो सब ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखने से, ज़्यादा टीवी देखने से हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा डिम लाइट्स में पढ़ने से होता है हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन ये वाला जो प्रेस बायोपिया वाला पोर्शन है ना, ये एज के साथ होता है, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ अपने तरफ से कर भी नहीं सकते, ठीक है। हाँ, प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ, यही पॉइंट वापस से रिपीट हो गया। द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम्स मच मोर देन 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट दूर चला जाता है, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट आ गया, एक्चुअली अ प्रेस बायोपिया इज, एक्चुअली क्या है, एक प्रेस बायोपिया जो है वो एक तरीके का हाइपरमेट्रोपिया ही तो है, अभी तो सब पढ़ के आए हम लोग, देखो स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है और ये एज के साथ आता है, वी कैन कॉल इट एट ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, हम इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं। ये सारा पॉइंट ऑब्जेक्टिव में बना बना के पूछते रहता है, सारा पॉइंट ऑब्जेक्टिव में बना बना के पूछता है। प्रेस बायोपिया डिफेक्ट इज करेक्ट इन द सेम, तो सेम काम भाई, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा चश्मा दे देंगे, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा दे देंगे, ठीक है, क्लियर है। ये भी पॉसिबल है कि एक सेम इंसान को मायोपिया भी हो जाए और हाइपरमेट्रोपिया भी साथ हो जाए, ठीक है, मायोपिया भी हो जाए और हाइपरमेट्रोपिया भी साथ में हो जाए, ये भी पॉसिबल है, और ऐसा होता भी है, जनरली ऐसा होता भी है, ठीक है, तो ऐसा होता भी है, ठीक है। तो मेरे मेरे पापा को ही ये वाला है, दोनों है उनका, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों है। तो पता है चश्मा कैसा बनता है, ये मान लो फ्रेम है, ठीक है, ऐसा ही फ्रेम दिखता है, ये मान लो फ्रेम है, ठीक, ये फ्रेम है, देखना हाइपरमेट्रोपिया का, ये जो हाइपरमेट्रोपिया का जो चश्मा बनता है, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ने में उसको दिक्कत है, नज़दीक का चीज़ दिक्कत है, तो इस वाले पोर्शन पे क्या होता है, ऐसा इस वाले पोर्शन पे ये क्या लगा रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, नीचे में कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया ट्रीट हो गया। और अगर मायोपिया है तो ये वाला लेंस नहीं होता है, मायोपिया में पूरा का पूरा कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ठीक, क्लियर। अगर किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, यानी उसको दूर का चीज़ भी दिक्कत है, नज़दीक का भी दिक्कत है, उस केस में क्या करते हैं कि ये वाला पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस हो गया और बचे हुए पोर्शन में क्या लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस, बचे हुए पोर्शन में क्या लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, तो उस दोनों ही ट्रीट हो गया उसका। तो कॉनकेव लेंस उसको जब दूर का दिखना होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस उसको देखने में मदद करेगा, जब उसको नज़दीक का देखना होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस उसको देखने में मदद करेगा। तो देखना ऐसा चश्मा जिसके पास भी रहेगा ना, उसको क्या कहेंगे, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, क्लियर है, क्लियर है। बनाना वो डायग्राम बना लो, कैटरेक्ट आते हैं चौथा पॉइंट और ख़त्म अपना डिफेक्ट। द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये डिजीज है एक्चुअली में, क्या होता है ना कि कैटरेक्ट जब किसी को होता है, मोतियाबिंद जब किसी को होता है, तो उसका इमेज,
उसका उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो भले ही रेटिना पे बन रहा हो लेकिन उसको फिर भी सब कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा। क्यों धुंधला धुंधला दिखता है? क्योंकि उसके लेंस के सामने एक फैट जमा हो जाता है, क्लाउडी पार्टिकल जमा हो जाता है जिसको फैट कहते हैं, फैट का लेयर जमा हो जाता है जिसके कारण से उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। जबकि उसका आई लेंस सही है, आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसको फिर भी कुछ नहीं साफ साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आई लेंस के सामने एक फैट का लेयर जमा हो जाता है, ठीक है, क्लाउडी लेयर जमा हो जाता है। ये मेडिकल कंडीशन है, इसको ऑपरेशन से सर्जरी से इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्ट्स इन ब्लड विजन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट डेवलप्स व्हेन द आई लेंस ऑफ अ पर्सन बिकम्स क्लाउडी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट, और इस मेम्ब्रेन का नाम है फैट मेम्ब्रेन। एक फैट का लेयर जमा हो जाता है, ठीक है, फैट का लेयर, बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही समझना है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा समझ में आया होगा, ख़त्म हो गया सब कुछ। एक एक सवाल करा लेंगे इसके बाद, अभी करा ले क्या? चलो देखते हैं, अभी करा लेते हैं एक सवाल, तो पूरी तरीके से ख़त्म ही करते हैं फिर, या फिर अभी रहने तो एक वीडियो और लेके आएंगे, इस पे सवाल करा लेंगे और फिर अपने अपना हम लोग छुट्टी, लाइट ख़त्म, ठीक है। चलो ख्याल रखो, थैंक यू।